अस्सलाम वालेकुम मोजस नाजरीन द ब्यूटीफुल गाइस, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वैसे ही यूट्यूब चैनल में आपका बिग वेलकम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान शरीफ पहला अशरा चल रहा है, आज दूसरा रोज़ा है। यूएई दुबई के अंदर मोस्टली गल्फ कंट्रीज़ के अंदर आज दूसरा रोज़ा है और पाकिस्तान के अंदर आज पहला रोज़ा है। और अफ्तारी आलमोस्ट पाकिस्तान में होने वाली है और इधर भी तकरीबन टाइम थोड़ा ही रह गया है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेसिकली अपने रूम के आउटसाइड में लॉबी के अंदर हूँ, ठीक है। बिल्डिंग सच एंड नाइस, आप देख सकते हैं सफाई के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जी वक्त को ज़ाया नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक अल कुरान आयात हदायत, उसका आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रोजों का महीना रमजान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजे रखकर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता, और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है, तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। हम रोजा रखेंगे हमें अल्लाह मिलेगा, हम तरावी पढ़ेंगे हमें अल्लाह मिलेगा, तरावी के हर सजदे पे 1500 नेकी, तरावी के हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का महल जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे, तरावी के हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त जिसके नीचे 100 साल अरबी घोड़ा दौड़ सकता है। पर रोजा खूबसूरत बनाओ, रोजा खूबसूरत बनाओ, रोजा रोजा बनाओ, आंखें रोजा रखें, दिमाग रोजा रखे, ये होंठ रोजा रखे, ये हाथ, ये दिल, ये सीना, ये शहवत, ये कमाई, ये तराजू, ये तिजारत, ये साइन, ये फाइल, ये डील, हर शय रोजा रखे, हर शय रोजा रखे तो अल्लाह आपका हो गया हो गया हो गया। तो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह मांग दिया करो। हकीकत यह है कि जो मोमिन है और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, उन पर उसका कुछ जोर नहीं चलता। उसका जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको रफीक बनाते हैं और उसके वसवसे के सबब अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करते। वो जो नमाज की पाबंदी करते और जकात देते हैं, और वही है जो आखिरत का यकीन रखते हैं, यही अपने परवरदिगार की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान करीम, रमजान मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने मुशाहिदा किया और समाअत फरमाया अल्लाह पाक के बबरकत कलाम का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ऐ तेरा शुक्र है, रमजान शरीफ की बरकतें हमें मतलब अवेल करने की मतलब मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे नंबर पे आज 3 तारीख जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ अप्रैल है, अप्रैल संडे इतवार का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। और यूएई के अंदर दुबई के अंदर दूसरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी दूसरा रोज़ा है अल्लाह पाक के कर्म व फजल के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, जज़ाकुल्लाह खैर। अल्लाह पाक हम सब का अमीन असर। अल्लाह हाफिज़।